Greetings to all. So this is our next practical session, and in this practical session we will going to solve or discuss the depend strike problems. In the previous lecture we have discussed or we have completed the physical properties of igneous rock, sedimentary rock and the metamorphic rock. And today is all about the depend strike problem. So in this practical session we will going to solve the depend strike problems. So if you have doubt of the depend strike, so you can watch the previous lecture or lecture series of depend strike, so you can understand easily. So let's start with the problems of depend strike. So first of all, we have a question, that is, a sandstone bed is dipping at 1:3 along north 30 degree east. Find its apparent dip along north 40 degree west in 1:2. So ये हमारा question है, और question ये बोलता है कि जो हमारा sandstone bed है वो dip कर रहा है north 30 degree east के तरफ, मतलब towards the east, north 30 degree towards east, और हमें apparent dip find करना है उस area की और उस degree की जो के north 40 degree west के तरफ dip कर रहा है. ठीक है, सो ये हमारा क्वेश्चन है, और 1 unit इज इक्वल्स टू 1 centimeter, ये हमारा यूनिट है. सो अभी हमें सबसे पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना होगा. तो कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डिप क्या है और स्ट्राइक क्या है. सो जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपको डिप एंड स्ट्राइक में कन्फ्यूजन है, तो आप सबसे पहले डिप एंड स्ट्राइक की लेक्चर को वॉच देखिए, उसको अंडरस्टैंड कीजिए, समझिए, उसके बाद ही आपको डिप एंड स्ट्राइक को डिपेंड स्ट्राइक प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे हमें अपेरेंट डिप फाइंड करना है. तो बेसिकली डिप क्या होती है, डिप जो होती है वो हमारे स्ट्राइक के हमेशा परपेंडिकुलर होती है. सो डिप इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द स्ट्राइक, और जो स्ट्राइक होती है वो हमारी होती है रॉक डायरेक्शन और द ट्रेंड ऑफ द रॉक फॉर्मेशन. मतलब जो स्ट्राइक है हमें वो इंडिकेट करती है कि हमारा जो रॉक फॉर्मेशन है वो किस तरफ ट्रेंड हो रहा है, किस डायरेक्शन में ट्रेंड हो रहा है. ठीक है, सो यहाँ पे हमको अपेरेंट डिप फाइंड करना है. तो जैसे कि हम जानते हैं, हमने लेक्चर सीरीज में देखा है कि जो डिप है वो 2 types की होती है, एक होती है ट्रू डिप और एक होती है अपेरेंट डिप. ट्रू डिप की बात करें तो जो ट्रू डिप होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है स्ट्राइक के, और हमेशा राइट एंगल होती है. ठीक है, और राइट एंगल मतलब 90 degree का एंगल बनाती है, और हमेशा परपेंडिकुलर होती है हमारे स्ट्राइक डायरेक्शन के. और अपेरेंट डिप की बात करें तो अपेरेंट डिप एक ऐसी डिप होती है जो हम एनी अदर डायरेक्शन लेते हैं एक्सेप्ट दी ट्रू डिप. मतलब जो हमारा स्ट्राइक डायरेक्शन है, ट्रू डिप के एंगल को छोड़ के जो भी कोई एंगल में हम जो डिप निकालते हैं उसे हम बोलते हैं अपेरेंट डिप. और जैसे कि मैंने बताया है कि जब हम डिप एंड स्ट्राइक को कैलकुलेट करते हैं, तो जो हम स्ट्राइक को कैलकुलेट करते हैं हम इन द फॉर्म ऑफ मेजरमेंट कैलकुलेट करते हैं, और जब हम डिप कैलकुलेट करते हैं तो डिप हम जब कैलकुलेट करते हैं तो इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्शन करते हैं, डेट इज़ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. मतलब जो हमारी डिप है वो किस डायरेक्शन में ट्रेंड हो रही है या किस डायरेक्शन में डिप हो रही है. ठीक है, सो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये जो क्वेश्चन है ये आपको आपके एग्जाम पेपर में देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा. तो प्लीज़ डोंट टेक इट वेरी लाइटली, बिकॉज मैं देख रही हूँ आप लोग प्रैक्टिकल सेशन अच्छे से अटेंड नहीं कर रहे हैं, बट ये जो डिप एंड स्ट्राइक के प्रॉब्लम्स है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, और वन बाय वन यहाँ पे हम स्टेप वाइज प्रोसेस देखेंगे कि हम उसको कैसे ड्रॉ करते हैं. ठीक है, सो ये हमारा क्वेश्चन है कि एक सैंडस्टोन बेड है वो डिपिंग एट 1:3 अलॉन्ग नॉर्थ 30 degree ईस्ट. फाइंड इट्स अपेरेंट डिप अलॉन्ग नॉर्थ 40 degree वेस्ट, जो के है 1:2. सो लेट स्टार्ट स्टेप 1. सो सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डिप एंड स्ट्राइक प्रॉब्लम्स के लिए आपको ब्लैंक पेजेस की ज़रूरत पड़ेगी, आपको डिग्री की ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है, और आपको सेट स्क्वायर की या रोलर की ज़रूरत पड़ेगी. तो ये डिप एंड स्ट्राइक प्रॉब्लम आपको ब्लैंक पेज में करना है, A4 साइज़ के ब्लैंक पेज में. तो सबसे पहले हमको एक A4 साइज़ का ब्लैंक पेज लेना है. ठीक है, उसमें हमको डी रखना है सेंटर में, और हमें डायरेक्शन को मार्क करना है.
ठीक है, ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मार्क किया हुआ डायरेक्शन है। तो ये हमारा स्टेप वन है, जहाँ पे आपको विद दी हेल्प ऑफ डी आपको डायरेक्शन मार्क करने हैं। तो ये हमने डायरेक्शन मार्क कर लिया, ठीक है। और डायरेक्शन मार्क करना बहुत ज़रूरी है, विदाउट डायरेक्शन आप डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया है तो लास्ट में आपकी जो अपेरेंट डिप है उसका डायरेक्शन में बहुत चेंजेस होता है, बहुत डिफरेंस आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें डायरेक्शन को मार्क करना है, क्योंकि एक एक पॉइंट से हमारी डिग्री चेंज हो जाती है। तो इसीलिए आपको सबसे पहला प्रोसेस है, सेंटर में आपको डी रखना है, डिग्री रखना है, और आपको सबसे पहले पॉइंट वाइज डायरेक्शन को मार्क करना है। ये हमारा हो गया स्टेप वन। नाउ वी विल सी दी स्टेप टू, ठीक है। ये स्टेप वन था जहाँ पे हमने मार्क किया है। अब यहाँ से हमने डिग्री हटा लिया, ये हमारे तीन चार पॉइंट है जो डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं। फिर स्टेप टू देखते हैं, तो यहाँ पे हमको विद दी हेल्प ऑफ स्केल इसको एक डायरेक्शन में ड्रॉ करना है। ये हो गया, लाइन ड्रॉ करना है। ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। ये है हमारा स्टेप टू। यहाँ पे हमने डायरेक्शन को पॉइंट करके मार्क किया, नाउ हम लाइन से उसको ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। ये है स्टेप टू। नेक्स्ट अब है हमारा, अब हमने जो लाइन को जो ज्वाइन किया है, डायरेक्शन निकाली है, अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास फोर क्वाड्रेंट्स हैं, ठीक है। तो ये वाला जो क्वाड्रेंट्स है इसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट साइड, ये वाला जो है ब्लॉक इसको हम बोलते हैं साउथ ईस्ट साइड, ये वाला क्वाड्रेंट को हम बोलते हैं साउथ वेस्ट, और ये वाला जो है इसे हम बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। और ये बहुत सिंपल है, बेसिक है, और ये आपको पता ही होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो सैंडस्टोन बेड है वो नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट के तरफ ट्रेंड हो रहा है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमें डिग्री को मार्क करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेंटर में ऐसे डिग्री रखेंगे, और सबसे पहले फर्स्ट जो क्वेश्चन में दिया हुआ है डिग्री उसको मार्क करेंगे, ठीक है। तो जो फर्स्ट वाला क्या है, अ सैंडस्टोन बेड इज डीपिंग एट नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट। तो यहाँ से हम इधर से इधर जाएंगे, ना कि इधर से इधर। तो नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट बोला है, मतलब हमको नॉर्थ से लेके टूवर्ड्स ईस्ट 30 डिग्री जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको पता है ये 10-10 ब्लॉक, 10-10 डिजिट के ब्लॉक हैं। तो ये हमारा एक डिग्री होता है, ये दो होता है, ये तीन होता है, वैसे ही हम यहाँ पे डिग्री कैलकुलेट करेंगे। जैसे ये है 10, देन 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड देन 90, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमको 10-10 के गैप से, मतलब एक डिग्री कंप्लीट हुई, देन अगेन 10 के गैप से फिर दूसरी डिग्री। तो यहाँ पे हमको नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट को मार्क करना है। तो हम नॉर्थ से ईस्ट के तरफ जाएंगे 30 डिग्री। तो ये हो गई हमारी 10, ये हो गई 20 और ये हो गई 30। और यहाँ पे देखो आप मार्क किया हुआ है, तो ये हम इस तरीके से यहाँ पे मार्क कर लेंगे नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट। हमें नीचे से ऊपर नहीं जाना है, क्या क्वेश्चन में ये है कि नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट जाना है, मतलब हम नॉर्थ से कैलकुलेट करना शुरू करेंगे, ना कि ईस्ट से नॉर्थ, ठीक है। अगर ईस्ट टू नॉर्थ बोलता तो हम नीचे ऊपर जाते, बट यहाँ नॉर्थ टू ईस्ट बोला है, इसलिए हम नॉर्थ टू ईस्ट जा रहे हैं, टूवर्ड्स 30 डिग्री ऑफ द ईस्ट। तो यहाँ पे हमने ईस्ट को 30 डिग्री को मार्क कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हम क्या है। नाउ यहाँ पे हमने कम्प्लीटली मार्क कर लिया है, अब स्टेप थ्री। सो स्टेप फोर, स्टेप फोर में जो जो हमने मार्क किया था नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट, उसको उस पॉइंट को लेकर हम ये जो हमारा वर्टिकल पॉइंट है, ये जो हमारा 90 एंगल बनाता है, वहाँ से लेके यहाँ तक एक कम कंटिन्यू लाइन ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये डी रखा हुआ है, हमने 30 डिग्री मार्क किया था, ये हमारा पॉइंट आया था। अब डी हटाने के बाद, डिग्री हटाने के बाद, हम स्केल की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट डिग्री निकल गया है, जो कि है नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट। अब नेक्स्ट क्या बोला है हमारा,
हमें अपेरेंट डिफाइंड करना है उस डायरेक्शन में जो है साउथ 40 डिग्री वेस्ट, नहीं सॉरी नॉर्थ 40 डिग्री वेस्ट। सो हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। सो स्टेप 5, अब यहाँ पे जैसे कि हमने इसके पहले की डिग्री को मार्क किया था नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट, वैसे ही हम विद द हेल्प ऑफ डिग्री हम यहाँ पे डिग्री रखेंगे इस तरीके से परपेंडिकुलर पूरा कम्प्लीटली, और हम यहाँ से नॉर्थ 40 डिग्री मार्क करेंगे, नॉर्थ 40 डिग्री वेस्ट। तो यहाँ से हमको नॉर्थ 40 डिग्री वेस्ट बोला है तो हम इधर से इधर जाएंगे, ना के वेस्ट टू नॉर्थ, हम नॉर्थ से वेस्ट की तरफ जाएंगे। मतलब हमें जाना है नॉर्थ 40 डिग्री टूवर्स्ट वेस्ट, ठीक है। तो हम वेस्ट की तरफ चले गए हैं और यहाँ पे हमको 40 डिग्री मार्क करना है। तो जैसे हमने इसके पहले नॉर्थ 30 डिग्री को मार्क किया है, वैसे ही हम यहाँ पे नॉर्थ 40 डिग्री मार्क करेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया कि जैसे ये 10, 20, 30 एंड देन दिस इज 40, तो ये हो गया हमारा मार्क नॉर्थ 40 डिग्री वेस्ट। नाउ फिर अगेन हम जैसे यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ की है, वैसे यहाँ पे भी हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल। सो वो देखते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में। सो ये है हमारा नेक्स्ट स्टेप, चूँकि स्टेप 6 है तो हमने इसके प्रीवियस स्टेप में देखा था कि हमने यहाँ पे मार्क किया हुआ है नॉर्थ 40 डिग्री वेस्ट। अब यहाँ पे हम इसको स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर लेंगे कुछ इस तरीके से। तो ये हमारे ये वाली ऐसी डायग्राम कम्प्लीटली बन कर आएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कम्प्लीट डायग्राम। सो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ डिग्री एक ब्लैंक पेज पे उसको सेंटर में रख के सबसे पहले कोऑर्डिनेशन की हेल्प से विद द हेल्प ऑफ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हमने मार्क किया। उसके बाद हमने नॉर्थ और साउथ और नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को विद द हेल्प ऑफ स्केल ज्वाइन किया। देन उसके बाद हमने सबसे पहले जो क्वेश्चन में था कि नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट एक सैंडस्टोन बेड डीप कर रहा है, वो हमने मार्क किया। देन उसके बाद एक लाइन ज्वाइन की। फिर उसके बाद जो सेकंड था जिसका हमें अपेरेंट डीप फाइंड करनी है, वो है हमारा नॉर्थ 40 डिग्री वेस्ट की तरफ जो डीप हो रहा है वो हमने मार्क किया, ठीक है। इस तरीके से हमने दोनों डिग्री मार्क कर ली। सो सबसे पहले आपको यही करना है कि सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन अगर आता है डिप एंड स्ट्राइक का, तो आपको जो जो डिग्री उसमें दिख रही है वो आपको मार्क कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये जो डायग्राम है कुछ प्रॉब्लम है जो इस तरीके से सॉल्व हुआ है। अब हमें इसके बाद क्या करना है वो हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। नाउ अब हमें क्या करना है, अब हमने जो डिग्री को मार्क किया है, अब हमें उसमें 1 in 3 एंड 1 in 2 ऐड करना है। अब जैसे कि आपने देखा होगा जो क्वेश्चन है उसमें ये लिखा हुआ है कि अ सैंडस्टोन बेड इज डीपिंग 1 in 3 अलॉन्ग नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट, ठीक है। अब ये 1 in 3 क्या है, तो जो हमने डिग्री को मार्क किया है हमें उस लाइन पे 1 in 3 कैलकुलेट करना है। 1 in 3 मतलब हमें यहाँ पे सेंटीमीटर में लेना है 4, ठीक है। हम 1 in 3 को 4 सेंटीमीटर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 in 3 मतलब होता है 3 में 1 ऐड करने के बाद 4, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे 4 सेंटीमीटर ले रहे हैं। तो आप इस इमेज में देख सकते हैं यहाँ पे 4 सेंटीमीटर को हमने मार्क किया है विद द हेल्प ऑफ स्केल। अगर 1 in 2 होता तो हम 3 लेते, 1 in 5 होता तो हम 6 लेते, 1 in 2 होता तो हम 3 लेते, ठीक है। तो वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट अगर होते तो हम यहाँ पे 1 ऐड करके उसमें सेंटीमीटर लेते। तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 in 3 अलॉन्ग नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट, तो यहाँ पे 1 in 3 दिया हुआ था इसलिए हमने यहाँ पे 4 सेंटीमीटर को मार्क किया है, ठीक है। तो हमें रैंडम कोई भी डिग्री पे मार्क नहीं करना है, जहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है जिसके अलॉन्ग में दिया हुआ है वही मार्क करना है। तो जो क्वेश्चन है वो ये बोलता है अ सैंडस्टोन बेड जो कि नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट की तरफ डिप कर रहा है इन अ डायरेक्शन 1 in 3, ठीक है। इसीलिए हमने नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट के ऊपर 4 सेंटीमीटर को मार्क किया है। अब जब इस इमेज में आप देखते हैं तो यहाँ पे हमने सेकेंड डिग्री को मार्क किया है जो कि है नॉर्थ 40 डिग्री वेस्ट,
ठीक है। अब यहाँ क्या बोला है कि हमें अपेरेंट डिप को फाइंड करना है उस डायरेक्शन पे जो नॉर्थ 40 डिग्री वेस्ट हो रही है और जो है वन इन टू डायरेक्शन, ठीक है। तो जब अगर आप ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपको डिप एंड स्ट्राइक प्रॉब्लम के लिए एक ब्लैंक पेज अपने साथ लेके रखना है, ठीक है, डी डिग्री रखना है, सेट स्क्वायर रखना है, सेट स्क्वायर ना हुआ तो आप रोलर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एक बड़ी स्केल आपको ज़रूरत होगी और पेंसिल की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको लेके रखना है। तो जैसे जैसे मैं बता रही हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप वही चीज़ फॉलो करनी है ताकि आपको क्वेश्चन और इजीली समझ में आए, अदरवाइज अगर आप इसको लाइटली लेंगे तो आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे डिग्री के ऊपर इसको कैलकुलेट करना है। यहाँ हम हर जगह पे क्वेश्चन पुट नहीं कर सकते, तो अगर जब आप क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिकल सॉल्व करोगे उसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप उस ब्लैंक पेज के ऊपर सबसे ऊपर क्वेश्चन नंबर वन करके आपको वो क्वेश्चन डालना है, ठीक है, जो कि है अ सैंडस्टोन बेड इज डीपिंग एट 1:3 अलॉन्ग नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट, फाइंड इट्स अपेरेंट डिप अलॉन्ग नॉर्थ 40 डिग्री वेस्ट इन 1:2। ये हमारा क्वेश्चन है जो आपको ब्लैंक पेज के ऊपर हेडिंग देनी है, लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा नॉर्थ 40 डिग्री वेस्ट है, जो सेकंड डिग्री जो हमने मार्क की है, उसमें क्या बोला है, 1:2, 1:2 बोला है, मतलब हमें कितना सेंटीमीटर लेना है, हमें लेना है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम 3 सेंटीमीटर को कैलकुलेट करेंगे विद दी हेल्प ऑफ स्केल। इस तरीके से हम स्केल रखेंगे और ये हमने 3 सेंटीमीटर को कैलकुलेट किया है यहाँ पे और मार्क कर देंगे। यहाँ पे हमने 1:3 था तो 4 सेंटीमीटर लिया और यहाँ पे 1:2 है तो हमने 3 सेंटीमीटर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमको दो पॉइंट जो है अलग अलग जो डिग्री हमने निकाली है लाइन पे हमें दो पॉइंट मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, सो ये हमारा स्टेप 8 है। जो हमने डायरेक्शन जो सेंटीमीटर को मार्क किया था, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये दोनों को जो हमने मार्क किया था इसको विद दी हेल्प ऑफ स्केल हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ये पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। अब ये हो गया हमारा पूरा कंप्लीट एक डिग्री का पोर्शन। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद एक सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप आता है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो स्टेप आपका डिसाइड करता है कि आपकी अपेरेंट डिप की डायरेक्शन क्या है और कितनी डिग्री वो डिप करता है, ठीक है। सो हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। सो ये है हमारा स्टेप 9। अब क्या करना है, ये जो हमने मार्क किया है पॉइंट और जो हमने लाइन ड्रॉ की है वहाँ पर हमें सेट स्क्वायर रखना है, और सेट स्क्वायर अगर आपने यूज़ किया है तो आपको पता है कि सेट स्क्वायर को हम कैसे यूज़ करते हैं। ये वाला जो पार्ट होता है जिसमें डिग्री अटैच्ड होती है इसको आपको स्टेशनरी रखना है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, इसको स्टेशनरी रखना है और सिर्फ ये वाला जो सेट स्क्वायर है यही मूव होगा, ठीक है। तो इसको कुछ इस तरीके से रखना है कि ये लाइन से अटैच्ड हो और ये स्टेशनरी रहेगा ये वाला, और ये वाला मूव होगा, ये ऊपर नीचे स्लाइड डाउन हो सकता है, ठीक है। तो ये स्टेशनरी रहेगा तो आप विद द हेल्प ऑफ हैंड इसको स्टेशनरी रख सकते हैं और दूसरे हाथ से इसे आप स्लाइड डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो सेट स्क्वायर है, इसको आप एज इट इज़ इस लाइन पे रखेंगे, ये स्टेशनरी रहेगा और एक हाथ से स्लाइड डाउन करते हुए धीरे 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 इसे नीचे लाएंगे और ये जो 90 का जो एंगल है, ये जो 90 की जो लाइन है, इसे आप क्रॉस सेक्शन करते हुए क्रॉस कट करेंगे इस इमेज में जो आप देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारी पहली लाइन है जहाँ पे हमने सेट स्क्वायर रखा था और ये सेट स्क्वायर को ये स्टेशनरी रहेगा, ठीक है। मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये स्टेशनरी रहेगा, अगर ये हिला तो आपकी डायरेक्शन गलत हो सकती है, डिग्री में चेंजेस आ सकते हैं। तो ये वाला जो है ये स्टेशनरी रहेगा और ये सेट स्क्वायर को हम नीचे लाएंगे और कुछ इस तरीके से कट करेंगे जो आके हमें कट होगा 90 एंगल पे, मतलब क्रॉस कट हम करेंगे, ठीक है, इसके ही पैरेलल, ये लाइन के पैरेलल हम यहाँ पे कट करेंगे धीरे धीरे नीचे सेट स्क्वायर लाके। तो ये लाइन धीरे धीरे नीचे आएगी, सेट स्क्वायर नीचे आएगा और यहाँ पे हमको एक लाइन मिलेगी जो कि इस लाइन के पैरेलल होंगी,
ठीक है, समझ में आया? तो आप यहाँ पे सेट स्क्वायर ना लेते हुए रोलर की हेल्प से भी आप ये कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, जहाँ पे हमने सेट स्क्वायर यूज़ किया है वहाँ पे आप डायरेक्टली रोलर यूज़ कर सकते हैं। तो आपको रोलर को कुछ ऐसे रखना होगा, जैसे ये सेट स्क्वायर रखा हुआ है, यहाँ पे आपको रोलर रखना होगा एंड धीरे धीरे रोलर को रोल डाउन करते हुए आपको यहाँ लाना है और यहाँ पे इस लाइन के पैरेलल यहाँ पे 90 एंगल पे कट करना है। ठीक है, तो आपको दो लाइन सेम पैरेलल मिल जाएगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। सो ये स्टेप 10 है हमारा, यहाँ पे हमको कुछ इस तरीके से मिल जाएगा बाद में। ठीक है, ये हमारी पैरेलल लाइन थी, यहाँ पे हमने इसके ऊपर सेट स्क्वायर रखा, देन इसको कट करते हुए नीचे लेकर आए और ये हमारी पैरेलल सेकेंड लाइन आ गई। सेकेंड लाइन ड्रॉ की हमने, ये जो कि इस लाइन के पैरेलल होगी। ठीक है, अब ये जो पहली लाइन है ये इसे हम बोलेंगे स्ट्राइक वन, ये जो दूसरी लाइन है इसे हम बोलेंगे स्ट्राइक टू। और एक और चीज़ मैं बता दूँ कि जब आप डिफेंस स्ट्राइक के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपकी जो मार्किंग है वो अप टू द मार्क होना चाहिए, कुछ भी मिस मैच नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स नॉर्थ साउथ तो इजीली लिख लेते हैं बट ईस्ट वेस्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ स्टूडेंट यहाँ पे वेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे ईस्ट कर देते हैं, तो ये आपके मार्क्स कट हो सकते हैं इसकी वजह से। और अगर आपके डायरेक्शन गलत हुए तो आपकी पूरी प्रॉब्लम या पूरी डायग्राम भी गलत हो सकती है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है, ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ठीक है, और जो मार्किंग मैंने किया है यहाँ पे, ये मार्किंग करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज विदाउट मार्किंग आपके जो इनविजिलिट रहेंगे वो इसको बराबर चेक नहीं कर पाएंगे, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी मार्किंग। ठीक है, तो ये अगर आप डिग्री वन निकाल रहे हैं तो यहाँ पे आपको लिखना ज़रूरी है, डिग्री टू निकाल रहे हैं तो यहाँ पे भी लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और ये है जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे स्ट्राइक वन स्ट्राइक टू, ये भी ये जो जितनी भी मार्किंग है डायग्राम की ये लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके मार्किंग पे ही मार्क्स होते हैं। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको जस्ट ऐसे रैंडम निकालना है डिपेंड स्ट्राइक प्रॉब्लम्स, तो ऐसा ना निकाले, प्रॉपर मार्किंग रहेगी तो आपको प्रॉपर फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स इस क्वेश्चन पे मिल सकते हैं। और डिपेंड स्ट्राइक के जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग प्रॉब्लम है। ठीक है, सो ये चीज़ का अब ध्यान रखना है, डायरेक्शन प्रॉपर अच्छे से मार्क करना है और डिग्री जो आप लिख रहे हो वो भी अच्छे से मार्क करना है। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा ये डायग्राम जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको उसके बाद क्या करना है, तो हमें यहाँ पे अपेरेंट डिप को फाइंड करना था। अब अपेरेंट डिप क्या है, सो जैसा कि मैंने बताया है कि ट्रू डिप जो होती है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू स्ट्राइक होती है, और अगर अपेरेंट डिप की बात करें तो अपेरेंट डिप जो है वो एक्सेप्ट डी ट्रू डिप एनी अदर डायरेक्शन, अगर हम डिप कैलकुलेट करते हैं उसको हम बोलते हैं अपेरेंट डिप। ठीक है, सो अपेरेंट डिप हमें यहाँ पे मार्क करना है, ये हमने यहाँ पे डिग्री मार्क की, हमें मार्क करना है अपेरेंट डिप इसके अकॉर्डिंग, मतलब ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है, ये जो डिग्री ड्रॉ की है नॉर्थ 40 डिग्री वेस्ट, उसके अकॉर्डिंग हमको मार्क करना है। अब हमने यहाँ पे ये पहली वाली लाइन स्ट्राइक वन को मार्क किया और उसके ही पैरेलल हमने कट करते हुए 90 डिग्री पे कट करते हुए एक सेकेंड स्ट्राइक ड्रॉ की है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये दोनों स्ट्राइक के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ स्केल। तो हम यहाँ पे स्केल रखेंगे वर्टिकली, इंक्लाइन नहीं रखना है, हमको वर्टिकल स्केल रखना है और फिर हमें ये कैलकुलेट करना है कि इन दोनों स्ट्राइक के बीच का डिफरेंस कितना है। ठीक है, तो स्ट्राइक वन एंड स्ट्राइक टू के बीच का डिफरेंस यहाँ पे 3 सेंटीमीटर आता है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ आप कैलकुलेट करके यहाँ लिखना है कि आप यहाँ पे कितना सेंटीमीटर हमको डिफरेंस देखने के लिए मिलता है स्ट्राइक वन एंड स्ट्राइक टू में। और एक और चीज़, जो हमारे लेंथ दी हुई थी डिग्री पे, जैसे यहाँ पे जो दी हुई थी 1 इन 3 जो हमने 4 सेंटीमीटर लिया, और यहाँ पे दी हुई थी 1 इन 2 जो हमने 3 सेंटीमीटर लिया। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली 4 और 3 के बीच में ही हमें इन दोनों का डिफरेंस मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, समझ लो आपने कुछ
प्रॉब्लम में गड़बड़ की है, या तो आपका रोलर जब आप सेकंड पैरेलल लाइन निकालने में कुछ कुछ मूवमेंट हुआ होगा तो डिफरेंस आया होगा, या आपके सेट स्क्वायर बराबर मैनेज नहीं है, बराबर सेटअप नहीं है, तो कुछ गड़बड़ हुई है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारे ये जो वैल्यू है वो इन दोनों के वैल्यू के बीच में आना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर यहाँ हम 5 सेंटीमीटर लेते और यहाँ हम 4 सेंटीमीटर लेते तो हमारा आंसर 5 और 4 के बीच में आना चाहिए, ठीक है। या तो फिर वो 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 भी आ सकता है, बट 4 और 5 के बीच में आना चाहिए। 4 से कम हो सकता है बट 4 से 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ हुआ है मतलब आपका प्रॉब्लम आपने गलत सॉल्व किया है, और वो गलत क्यों हुआ है, क्योंकि या तो आपका रोलर का डायरेक्शन सही नहीं है, या प्रॉपर वे में आपने इंक्लाइंड पैरेलल लाइन नहीं निकाली है, या आपका सेट स्क्वायर का सेटअप ठीक नहीं है, आपने लाइन निकालते टाइम या तो कुछ हिल गया होगा। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न है जिसकी वजह से हमारी स्ट्राइक 1 एंड स्ट्राइक 2 के डायरेक्शन में डिफरेंस आता है। तो यहाँ पे हमारा 3 सेंटीमीटर आ रहा है जो कि ये दोनों वैल्यू के बीच में है, तो ये क्वेश्चन, ये जो प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया है ये एक्यूरेट है, सही है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये वाली जो डिफरेंस आता है दोनों स्ट्राइक के बीच में वो दोनों वैल्यू के बीच में आना चाहिए, ठीक है। 4 से कम हुआ तो चलेगा, 3 से कम हुआ तो चलेगा, बट 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इस क्वेश्चन की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 4 लिया है, 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर लिया है, और हमारा इन दोनों स्ट्राइक के बीच का जो डिफरेंस है वो भी 3 सेंटीमीटर आया है। अब हमें कैलकुलेट करना है अपेरेंट डिप। तो जो हमने सेकेंड पैरेलल लाइन निकाली है इसके स्ट्राइक 1 के पैरेलल लाइन, जो हमने स्ट्राइक 2 निकाली है, ये हमारी डिस्क्राइब करती है अपेरेंट डिप डायरेक्शन, ठीक है। अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमें इसको क्या करना है, हमें यहाँ पे डिग्री रखनी है, ठीक है। डिग्री की हेल्प से आप यहाँ पे डिग्री रखोगे, ठीक है, 90 एंगल पे, और आपको ये कैलकुलेट करना है कि ये कितनी डिग्री है। जैसे हमने नॉर्थ को मार्क किया है, जैसे हमने यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट मार्क किया है, नॉर्थ ईस्ट मार्क किया है, जैसे 30 डिग्री था, ये 40 डिग्री था, तो वैसे ही आपको यहाँ पे डिग्री रख के इस डायरेक्शन में कितना डीप हो रहा है वो मार्क करना है। तो हम यहाँ पे डिग्री रखेंगे और यहाँ से नॉर्थ टू ईस्ट के तरफ गिनते हुए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से गिनने के बाद हमें मिल रहा है 75। तो ये जो हमारी अपेरेंट डिप है वो डिप हो रही है नॉर्थ 75 डिग्री ईस्ट, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और कैसे कैलकुलेट करना है वो आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री रखना है और यहाँ से आपको नॉर्थ टू ईस्ट के तरफ जाना है, और ये आपको मार्क करना है नॉर्थ 75 डिग्री ईस्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा एक कंप्लीट डीप एंड स्ट्राइक प्रॉब्लम सॉल्व। तो आपको क्या करना है, आपको ये क्वेश्चन पेपर में लिखना है और आपको ब्लैंक पेज में ये प्रैक्टिस करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसको प्लीज़ लाइटली मत लीजिए, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने ब्लैंक पेज में विद दी हेल्प ऑफ डिग्री डायरेक्शन को मार्क किया, हमने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को मार्क किया, फिर वो चारों पॉइंट को हमने विद दी हेल्प ऑफ स्केल ज्वाइन किया, फिर उसके बाद जो हमारे क्वेश्चन में जो सबसे पहले डिग्री दी हुई थी उसको मार्क किया विद दी हेल्प ऑफ डिग्री, जो पहला था हमारा नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट, उसको मार्क करने के बाद वो लाइन ज्वाइन की, देन उसके बाद दिया हुआ था नॉर्थ 40 डिग्री वेस्ट, उसको मार्क करने के बाद हमने फिर वो लाइन ज्वाइन की। इस तरीके से हमने दोनों डिग्री को मार्क किया। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद जो हमें डायरेक्शन दी हुई थी इन सेंटीमीटर उसको मार्क किया। नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट के लिए दिया हुआ था 1 in 3, और 1 in 3 दिया हुआ है मतलब हम कितना लेंगे, 4 सेंटीमीटर। तो हमने 4 सेंटीमीटर इस लाइन पे मार्क किया, और जो नॉर्थ 40 डिग्री वेस्ट था वो दिया हुआ था 1 in 2 मतलब 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो 3 सेंटीमीटर था हमने इस लाइन पे मार्क किया। अब ये दो जो पॉइंट है हमने विद दी हेल्प ऑफ स्केल ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लिया, एक लाइन ड्रॉ कर ली। उसके बाद क्या किया हमने, उसके बाद विद दी हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर और विद दी हेल्प ऑफ रोलर यहाँ पे वो सेट स्क्वायर रख के विदाउट स्टेशनरी, ऊपर का जो पार्ट है सेट स्क्वायर का वो स्टेशनरी रहेगा और जो नीचे का पार्ट है वो स्लाइड डाउन होगा। तो उसको स्टेशनरी रखते हुए नीचे के पार्ट को मूव करते हुए धीरे धीरे हम इसके लाइन में पैरेलली नीचे जाएंगे और यहाँ पर एक लाइन को कट करेंगे 90 के एंगल में, ठीक है, ताकि हमें ये लाइन के पैरेलल लाइन दूसरी लाइन मिल जाए, ठीक है।
ठीक है, और ये लाइन जो है ये हमारी हो जाएगी स्ट्राइक टू डायरेक्शन। तो इस तरीके से हम विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर एंड रोलर हम स्ट्राइक वन एंड स्ट्राइक टू डायरेक्शन निकालते हैं। और हमेशा ये याद रखना जो स्ट्राइक वन होती है, स्ट्राइक टू हमेशा उसके पैरेलल होती है। तो ये इसमें आपको डिफरेंस नहीं आना चाहिए, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत, आपका जो प्रॉब्लम सॉल्व है वो पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज़ आपका जो प्रॉब्लम है वो पूरा ही रॉन्ग हो जाएगा। और एक और चीज़ जो मैंने बताया कि सेट स्क्वायर्स का सेटअप सही होना चाहिए। अगर आप सेट स्क्वायर से नहीं कर रहे हो, आप रोलर की हेल्प से कर रहे हो, तो रोलर भी एग्जैक्टली कट होना चाहिए, एग्जैक्टली पैरेलल लाइन देनी चाहिए। और ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब हम बाद में स्ट्राइक वन एंड स्ट्राइक टू का डायरेक्शन निकालते हैं तो उसमें डिफरेंस आता है, और अगर डिफरेंस आया मतलब आपका जो प्रॉब्लम है वो पूरा रॉन्ग हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये लाइन निकाल लेंगे, जो पहली लाइन है उसको स्ट्राइक वन बोलेंगे और जो दूसरी लाइन है उसको हम स्ट्राइक टू बोलेंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन दोनों के बीच की जो स्ट्राइक वन है स्ट्राइक टू के बीच की डायरेक्शन को कैलकुलेट करना है, डिफरेंस को कैलकुलेट करना है। तो विद द हेल्प ऑफ स्केल हम ये कैलकुलेट करेंगे। और एक और चीज़, स्केल को इंक्लाइन नहीं रखना है। जैसे हमारी स्ट्राइक है इंक्लाइन दिख रही है, बट हमें स्केल को इंक्लाइन नहीं रखना है, स्केल को हम वर्टिकल रखना है और उस वर्टिकल स्केल से हमको फिर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कैलकुलेट करने के बाद कितने भी सेंटीमीटर आ सकते हैं, डिपेंड करता है हमारे क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे हमारे दो स्ट्राइक के बीच का जो डिफरेंस है वो 3 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। मतलब हमारा जो क्वेश्चन है, जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया है, वो 100% सही है। अगर यहाँ पे आपको डिफरेंस मिलता है बहुत ज़्यादा, तो मतलब आपका प्रॉब्लम रॉन्ग है। और वो क्यों है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि जो हम डिग्री कैलकुलेट कर रहे हैं डायरेक्शन, जैसे हमने जो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर लिया है, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर लिया है, अगर इन दोनों स्ट्राइक का डिफरेंस इन दोनों के बीच में आता है, मतलब 4 सेंटीमीटर 3 के बीच में आता है, मतलब आपका प्रॉब्लम सही है। और अगर ये ऊपर नीचे होता है, मतलब ये प्रॉब्लम आपका रॉन्ग है। तो इसका ध्यान रखना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कभी भी स्ट्राइक वन एंड स्ट्राइक टू का जब डायरेक्शन आप निकालोगे, तो स्केल को वर्टिकल रखना है। और ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जो आपके डिग्री के ऊपर, डिग्री की लाइन के ऊपर जो मार्क किया है, जैसे यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, यहाँ 4 सेंटीमीटर है, वो वैल्यू जो है आपकी, जो डिफरेंस है स्ट्राइक वन एंड स्ट्राइक टू, वो उनके बीच में ही आना चाहिए, ठीक है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, और प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज ये बहुत स्कोरिंग क्वेश्चन है और ये आपको थ्योरी में, प्रैक्टिकल में, दोनों में ही आएंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो हमारा लास्ट स्टेप है, क्या है वो लास्ट स्टेप में हमें ये करना है कि यहाँ पे डिग्री रखना है, और डिग्री की हेल्प से हमें जो स्ट्राइक टू है, ठीक है, स्ट्राइक वन की बात नहीं कर रही हूँ मैं, स्ट्राइक टू है उसे कैलकुलेट करना है कि वो कितने डिग्री डिप हो रही है। तो अब यहाँ पे जो दिया हुआ है, जो ब्लॉक जो कोऑर्डिनेट में हमको दिया हुआ है स्ट्राइक टू, वो है हमारा नॉर्थ ईस्ट। तो हम इस डायरेक्शन में उसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अगर ये जो स्ट्राइक वन स्ट्राइक टू है वो इस क्वाड्रेंट में होती तो हम यहाँ से कैलकुलेट करते, अगर इस क्वाड्रेंट में होती तो यहाँ पे कैलकुलेट करते, बट जो हमारी स्ट्राइक वन स्ट्राइक टू है वो यहाँ है, इसलिए हम यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे डी रखेंगे, ठीक है। इस एंगल पे यहाँ पे 90 डिग्री का डी रखेंगे, और यहाँ से जैसा हमने नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट कैलकुलेट किया था, वैसे ही हम ये जो स्ट्राइक टू है वो किस डिग्री तक के आती है, किस डिग्री में डिप होती है, वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इमेजिन यहाँ पे हमने डी रखा है और यहाँ से हम कैलकुलेट कर रहे हैं नॉर्थ टू ईस्ट की तरफ। तो अगेन 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 75, तो ये जो लाइन है ये 75 पे डिप हो रही है, ठीक है। मतलब हमारा जो अपेरेंट डिप है वो क्या है, हमारा जो अपेरेंट डिप है वो डिप कर रहा है नॉर्थ 75 डिग्री ईस्ट। तो हमें क्या फाइंड करना था, हमें एक सैंडस्टोन बेड दिया हुआ था जो डिप कर रहा था नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट अलोंग 1 इन 3, मतलब सेंटीमीटर डायरेक्शन में, और हमें अपेरेंट डिप फाइंड करना था उस डिग्री एंगल के जो नॉर्थ 40 डिग्री वेस्ट है। तो हमारा नॉर्थ 40 डिग्री वेस्ट का जो स्ट्राइक टू है, ठीक है, उसका जो डायरेक्शन है वो जाता है हमारा नॉर्थ 75 डिग्री ईस्ट, ठीक है। तो ये हो गई हमारी अपेरेंट की डायरेक्शन।
और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगेन आई एम टेलिंग कि प्लीज़ इसको लाइटली मत लीजिए, ये क्वेश्चन आपको पेपर में भी आता है और बहुत स्कोरिंग क्वेश्चन है, ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो इस तरीके से हमें हमारा कंप्लीट एक प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो आपको नीचे लिखना है दिस इज़ आर अपेरेंट डिप एंड अपेरेंट डिप डायरेक्शन इज नॉट 75 डिग्री ईस्ट एंड द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्राइक वन एंड स्ट्राइक टू इज़ दी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्व। और ये जो डायरेक्शन है इस पर भी आपको ध्यान देना है, इसमें आपको नहीं होना चाहिए, डायरेक्शन को प्रॉपरली लिखना है, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ द प्रैक्टिकल सेशन एंड दिस इज द पार्ट वन ऑफ डिप एंड स्ट्राइक प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रैक्टिकल सेशन में हम पार्ट टू देखेंगे या फिर पार्ट वन ही कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज अगर आपको कोई डाउट है डिप एंड स्ट्राइक प्रॉब्लम में तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और एक और चीज़, जब भी आप ये क्वेश्चन करते हो, ये प्रैक्टिकल सेशन अटेंड करते हो, तो प्लीज़ एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस ये क्वेश्चन आपको नहीं आ सकते, ठीक है। तो जैसे जैसा मैंने बताया है स्टेप वन स्टेप टू स्टेप थ्री वैसे वैसे फॉलो करते हुए आप कंप्लीटली एक प्रॉब्लम को सॉल्व करें, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको प्रैक्टिकल सेशन में भी आएगा, ये आपको लेक्चर सीरीज में भी आएगा, और ये आपके एग्जाम में भी आता है। अगर आपने ईजी के क्वेश्चन पेपर को अच्छे से एग्जामिन किया है या देखा होगा तो आपको डिप एंड स्ट्राइक के प्रॉब्लम्स मिलते ही है, और डिप एंड स्ट्राइक के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, तो ये आपको आने ही चाहिए, ठीक है। सो प्लीज़ इसको लाइटली मत लीजिए, ये जो डिप एंड स्ट्राइक के प्रॉब्लम्स है ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। और जैसे कि मैंने बताया कि जब भी आप प्रैक्टिकल को अटेंड करोगे तो आपके पास एक ब्लैंक पेज होना चाहिए और सेट स्क्वायर होना चाहिए, अगर सेट स्क्वायर नहीं है तो आप रोलर की भी हेल्प ले सकते हैं। डिग्री होना चाहिए, एक स्केल होनी चाहिए बड़ी सेंटीमीटर वाइज, ठीक है, और पेंसिल होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको ज़रूरी है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो डिप एंड स्ट्राइक के प्रॉब्लम्स है, ये जो जो मैं आपको बता रही हूँ पढ़ा रही हूँ, ये आपको आपकी नोटबुक में प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में आपको लगाना है, ठीक है। तो जो मैंने आज क्वेश्चन सॉल्व किया है डिप एंड स्ट्राइक का, इसको आप एज इट इज़ सॉल्व करके आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक में लगाना है, ठीक है। सो जैसा कि मैंने बताया कि आपको ब्लैंक पेज लेना है, ठीक है, और पहले आप रफ नोटबुक में प्रैक्टिस करना, और जब आप प्योर आपको अच्छे से जब आ जाए तो उसके बाद आप ब्लैंक पेज में प्रॉब्लम सॉल्व करके आपकी रिकॉर्ड में, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में आपको लगाना है, ठीक है। और इसको लाइटली नहीं लेना है, आपके प्रैक्टिकल असेसमेंट में मार्क्स है, ठीक है। सो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपके प्रैक्टिकल नोटबुक कंप्लीट होनी चाहिए। और आई होप कि आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इग्नियस सेडिमेंटरी मेटामॉर्फिक रॉक आपकी प्रैक्टिकल बुक प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में नोट डाउन किए होंगे, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया कि डिप एंड स्ट्राइक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके भी आपको आपके प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में लगाना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको ब्लैंक पेज चाहिए A4 साइज़ के, और प्लीज़ इसको प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत स्कोरिंग है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैंने कोशिश किया है इसको बहुत इजी तरीके से समझाने का, ठीक है। सो अगर आपको कोई भी डाउट हो, ठीक है, कुछ भी ना समझ में आए, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और प्लीज़ इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करने के बाद ही आप इसको फेयर कीजिए, और वो फेयर वाला जो प्रॉब्लम है वो आपको आपके प्रैक्टिकल नोटबुक में लिखना है, ठीक है। और सबसे पहले ब्लैंक पेज के ऊपर आपको क्वेश्चन डालना है सबसे ऊपर, उसके बाद आपको नीचे ये ड्रॉ करना है, ठीक है। ये हो गई आपकी सारी प्रैक्टिकल सेशन की बात। और एक और चीज़, अगर आपको डिप एंड स्ट्राइक में प्रॉब्लम है या आपको नहीं समझा है, तो प्लीज़ गो एंड वॉच द डिप एंड स्ट्राइक लेक्चर, जिसमें हमने पूरा डिस्कस किया है व्हाट इज़ डिप एंड व्हाट इज़ स्ट्राइक। अगर आपने डिप एंड स्ट्राइक के लेक्चर नहीं देखा है तो आपको नहीं समझ में आएगा, तो प्लीज़ पहले वो देखिए, उसको अंडरस्टैंड कीजिए कि डिप क्या है, स्ट्राइक क्या है, उसके बाद ही आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये आपके वाइवा में भी पूछ सकता है कि व्हाट इज़ डिप, व्हाट इज़ स्ट्राइक, और हम क्यों डिप लेते हैं, हम डिग्री क्यों लेते हैं, 1 in 3 है तो 4 सेंटीमीटर क्यों लेते हैं। सो दीज आर ऑल बेसिक क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये आपको आना ही चाहिए, और इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट।
सो आई होप कि ये क्वेश्चन आप ब्लैंक पेज पे ड्रॉ करेंगे और इसको आपकी प्रैक्टिकल बुक में लगाएंगे, ठीक है। और अगर जिन्होंने भी इनकम्प्लीट प्रैक्टिकल रिकॉर्ड रखा है अपने पास, तो प्लीज़ उनको मैं बता दूं कि आप जब तक प्रैक्टिकल रिकॉर्ड कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपको प्रैक्टिकल असेसमेंट के मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। सो प्लीज़ बी केयरफुल और इसे लाइटली मत लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। सो दैट्स इट, दिस इज़ द एंड ऑफ द प्रैक्टिकल सेशन। इन द नेक्स्ट प्रैक्टिकल सेशन वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टाइप ऑफ डीप एंड स्ट्राइक प्रॉब्लम्स। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।